कि क्या मोदी जी ब्रांड बन गए हैं, और अगर ब्रांड है तो फिर कैसे उन्हें नकारा जा सकता है। 2014 में तो मोदी की लहर थी, 2019 में मोदी की आंधी नजर आई, 2024 में कहा जा रहा है भाजपा के कद्दावरों नेताओं के द्वारा कि इस बार मोदी की सुनामी आएगी। लोग विश्वास करने में पहले तो कतराते, लेकिन अगर एक बार विश्वास करना शुरू करते हैं तो वो शायद उस दूसरे ब्रांड को भूल जाते हैं। मुद्दा देश का में आपका बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ काजू नारायण। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चुनावों की चर्चा हो रही है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको मौका मिलना चाहिए, सरकार रिपीट होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, साल 2014 से शुरू करते हैं। 2014 मोदी लहर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बहुत गूंजे नारे और बहुत प्यार एनडीए गठबंधन को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। उसके बाद मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारे वादे पूरे किए गए, कुछ वादों पर काम चल रहा है, कुछ वादे दरकिनार कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी ब्रांड बन गए हैं, और अगर ब्रांड है तो फिर कैसे उन्हें नकारा जा सकता है, और उन ब्रांड के आगे क्या हर कोई फीका पड़ रहा है। इस मौके पर अगर मैं बात करूं तो जब भी 2019 में भी चुनाव हुए थे और अब 2024 के भी चुनाव चल रहे हैं, कई ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। 2014 में तो मोदी की लहर थी, 2019 में मोदी की आंधी नजर आई, 2024 में कहा जा रहा है भाजपा के कद्दावरों नेताओं के द्वारा कि इस बार मोदी की सुनामी आएगी। लेकिन क्या हकीकत यही है? ग्राउंड जीरो पर क्या यही तस्वीर नजर आती है? महत्वपूर्ण है इस पर बात करना, क्योंकि जो लोग मोदी को ब्रांड बता रहे हैं, अब आगे सवाल ये कि अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन? क्या मोदी जी की जगह कोई नहीं ले सकता? क्या कोई चेहरा ना तो विपक्ष के पास है ना सत्ता पक्ष के पास है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हर कोई मंथन कर रहा है। आप घरों से निकलेंगे, किसी भी नुक्कड़ पर जाएंगे, किसी चाय की टपरी पर जाएंगे, आपको सिर्फ यही चर्चा होती नजर आएगी कि हमें तो मोदी जी का चेहरा चाहिए, नहीं भाई हमें तो राहुल गांधी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब वो प्रधानमंत्री कोई भी बने हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे काम पूरे होने चाहिए, हमारे ये मुद्दे हैं, इन पर हमें वोट डालना है और ये हमारी परेशानी है, ये सही होनी चाहिए। मुफ्त राशन, बीच में कोरोना भी आ गया, सरकार कहती है हमने कोरोना को डटकर मुकाबला किया है, बड़े बड़े देश हिल गए लेकिन भारत अखंड रहा और भारत ने डटकर इसका मुकाबला किया। लेकिन सवाल ये है कि 10 साल क्या काफ़ी है किसी को जज करने के लिए? उस देश में जिसकी देश की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो, क्या 10 साल महज काफ़ी है अर्थव्यवस्था को पांचवें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने में? कोशिश की गई है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आपने 10 सालों में वादा किए थे, क्योंकि 2014 से पहले भी देश था, देश आगे भी रहेगा, देश अब भी है, ऐसे तो नहीं कि 2014 से पहले देश नहीं था, बहुत सारी चीज़ें आई, हमने 2G देखा, उसमें घोटाले भी के भी जिक्र लगातार होता है, और उससे पहले हमने डिजिटल पर कदम रख दिया था, बहुत कुछ, एम्स हमने देखे, IIT हमने देखे, लेकिन रफ्तार शायद हो सकता है कि धीमी हो, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन योगदान देश में हर किसी का रहा है। कई चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, चाहे वो इमरजेंसी की हम बात कर लें, इंदिरा गांधी के शासनकाल में कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है एनडीए की सरकार में पिछले 10 सालों से, और इमरजेंसी जैसे हालात हैं वो तो घोषित इमरजेंसी थी या अघोषित इमरजेंसी मोदी जी ने लगा रखी है। अब देखिए, सवाल ये है कि रणनीतिकार किस तरह से परख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। ओवरऑल 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन 400 पार एक इतिहास रहा है, एक इतिहास दर्ज है, क्या वो मोदी सरकार पूरा कर पाएगी, ये उस दौर की बात है जब राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी। तब कहा गया कि वो इमोशनल कार्ड था और सांत्वना और सहानुभूति जो है उसके तौर पर वो वोटों की तर्ज पर राजीव गांधी जी को मिली थी। आज मोदी जी कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं भीख मांगने आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश को बता लीजिए।
राहुल गांधी कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, मैं युवाओं से भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता। राहुल गांधी लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पर्सनली बहुत सारे वीडियोस कुछ तो ऐसे हैं कि दिल को छू देने वाले हैं। लेकिन राजनीति में क्या सब कुछ पारदर्शी है या कुछ छिपा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक रणनीतिकार का जिक्र करेंगे। हालांकि इनका जिक्र हमेशा से ही चुनावों में होता रहा है और देश की राजनीति में वो अपनी मुखरता से बात रखते आए हैं। 2024 को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, नाम तो सुना होगा, प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध को मजबूत कहा है। उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष कमजोर हो लेकिन जो विरोध हो रहा है वो बहुत मजबूत है। एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू के दौरान किशोर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मोदी ब्रांड को हराया नहीं जा सकता। हालांकि वो मानते हैं कि मोदी ब्रांड है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता, चाहे कोई राजनीतिक दल उनको चुनौती दे या ना दे, लेकिन लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हमने चर्चाएं की है, हम भी डिबेट्स करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी कहते हैं कि इस बार का चुनाव सत्ता पक्ष वर्सेज विपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष वर्सेज आम जनता है। यहाँ पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि विपक्षी दल कमजोर हो सकते हैं लेकिन सरकार को लेकर जो विरोध है, जो विरोध में एक बार स्वर उठ रहा है, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 60 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन 100 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते। उस देश में सरकार के खिलाफ विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, ऐसा सोचना गलत है। वो कहते हैं कि विपक्षी दल और विपक्षी दलों का गठबंधन कमजोर हो सकता है लेकिन देश में जो विरोधी स्वर सुनाई दे रहे हैं उसे आप कमजोर नहीं कह सकते। लोग सर्वोपरि है, आम जनता सर्वोपरि है, वही चुनती है, आपको संसद तक पहुंचाती है, तो उनको कमजोर समझना बेवकूफ़ी है। सरकार के विरोधी वाली बात का तर्क देते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम एक आंकड़ा बताते हैं, वो कहते हैं कि 50% वोट नहीं मिलते हैं किसी को भी। अगर आसान भाषा में उनके जिन्होंने कहा है उसको मैं समझाऊं तो 100 में से 40 लोग पीएम को वोट करते हैं, वो 40 लोग उनके काम, हिंदुत्व, राम मंदिर, 370 का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर बस 60 लोग ही खुश हैं, 40 लोग, माफ़ कीजिएगा, 60 से 62 लोग खुश होते नहीं हैं। देखिए, बीजेपी के सामने ग्रामीण संकट एक बड़ा मुद्दा है। बहुत कोशिश की गई है, ग्रामीण विकास योजना, वहाँ पर जाकर किसानों को ऋण देना, खाते खोलना, उज्ज्वला पहुँचाना, शौचालय बनवाना, सड़कें पहुँचाना, हर गल नल जल योजना पहुँचाना, मेहनत की है, ऐसा नहीं है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि कोशिश नहीं की गई, बहुत अच्छी कोशिश की गई है। अब इसके बाद अगर बीजेपी जीत रही है तो विपक्षी दल उतने मजबूत और भरोसेमंद नहीं है। ब्रांड मोदी की ताकत घट रही है, प्रशांत किशोर का ये कहना है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना 2014 के चुनावों से वो करते हैं। किशोर कहते हैं कि ब्रांड मोदी की ताकत 2014-2019 की तुलना में कम हुई है। 2024 में वोटरों में उत्साह था, 2019 में लोगों को लगा कि सरकार को विकास के लिए और 5 साल मिलने चाहिए, माफ कीजिएगा, कट यहाँ पर कट, 2014 में वोटरों में उत्साह था, 2019 में लोगों को लगा कि सरकार को विकास के लिए और 5 साल मिलने चाहिए। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि मोदी के सरकार में आने से देश बदल जाएगा। 2024 में लोगों को लगेगा कि विकल्प तो कोई नहीं है, वोट देना ही पड़ेगा। अब किशोर कहते हैं कि 2014-2019 के बीच भाजपा प्रदर्शन 3% कम रहा। खास बात ये भी रही कि राम मंदिर को लेकर उनको ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं। अब ये तर्क वो दे रहे हैं लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो खैर धरातल पर जो ग्राउंड जीरो पर लोग जा रहे हैं, हम जैसे लोग, वो ही बता सकते हैं, या फिर कहना जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि रणनीतिकार जो कुछ कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो दूरभाषी दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि लहर पर असर पड़ा है, वो लहर नहीं है। 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है वो 400 पार नहीं हो पाएगा। ब्रांड 2014 में 2019 में खूब बने, खूब वाह वाही लुटी, लेकिन अब ब्रांड में कमी आ रही है। वो कहते हैं ना कि जब एक ब्रांड होता है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, विश्वसनीय हो जाता है, लेकिन मार्केट में अगर टक्कर में कोई ऐसा ब्रांड आ जाता है जो कि उससे ज़्यादा विश्वसनीय हो तो लोग विश्वास करने में पहले तो कतराते हैं, लेकिन अगर एक बार विश्वास करना शुरू करते हैं तो वो शायद उस दूसरे ब्रांड को भूल जाते हैं।
अब देखते हैं 4 जून को क्या होता है। मुद्दा देश का मैं आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे और ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।